Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. Today we are going to learn how we can extract text from an image. मतलब कि अगर हमारे पास एक image है, उसके अंदर कोई भी textual data है, तो हम उसको extract करेंगे और उसका output देख पाएंगे output screen के अंदर. जो भी text data होगा image के अंदर, वो हम extract करेंगे और वो output screen पे show करेंगे. Okay? तो इसके लिए हमारे को दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है. पहला, हमें एक इमेज फाइल को रीड करना है और फिर उसमें से जो टेक्सचुअल डेटा है एक्सट्रैक्ट करना है. तो दो पैकेजेस लगने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर. फर्स्ट है इमेज रीड करने के लिए पैकेज लगेगा जो हम यूज करेंगे, पिलो पैकेज. और ये जो एक्सट्रैक्ट करना है टेक्सचुअल डेटा, इसके लिए हम यूज करेंगे पाई टेसरैक्ट का. ओके, so let's see how we can solve this problem with Python. तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है PyTesseract का. मैंने गूगल करके इसे ढूंढा है. आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है. इसे कोई भी, अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो आपको pip install और पैकेज का नाम लिखना होता है, तो इसी तरीके से आप इसे भी इंस्टॉल करेंगे. और इसके अंदर आपके पास एक मेथड होता है इमेज टू स्ट्रिंग मेथड. इसी की मदद से हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इमेज के अंदर से टेक्सचुअल डेटा. बाकी की चीजें हमारे इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इरेलेवेंट है, तो इसे इग्नोर कीजिए. सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, इमेज टू स्ट्रिंग मेथड होता है जिसकी मदद से हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं एक इमेज के अंदर से टेक्सचुअल डेटा. ओके, तो इतना ही हमें याद रखना है. ये काम हो गया एक्सट्रैक्शन का, बट सबसे पहले तो हमें एक इमेज रीड करनी है. इमेज रीड करने के लिए हमें इंस्टॉल करना है पिलो पैकेज. इमेज रीड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हो सकते हैं, जैसे कि ओपन सीवी एक पैकेज होता है जिसकी मदद से आप इमेज के साथ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, इमेज रीड कर सकते हैं और बहुत सारे काम करवा सकते हैं. बट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम ओपन सीवी ना यूज करके हम पिलो पैकेज यूज करेंगे. इट इज वेरी इजी टू यूज, इट्स माय ओन प्रेफरेंस, नथिंग एल्स. तो पिलो पैकेज यूज करेंगे और इमेज को रीड करेंगे और फिर एक्सट्रैक्शन के लिए PyTesseract यूज करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट. तो कोडिंग के लिए मैं VS कोड IDE यूज कर रही हूँ. आप अपनी मर्जी का कोई भी IDE यूज कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल. मैं VS कोड IDE यूज करने वाली हूँ. यहाँ से मैं टर्मिनल ओपन कर लूंगी और टर्मिनल के अंदर यहाँ से डायरेक्टली कमांड पास करने वाली हूँ. अगर आप VS कोड IDE नहीं यूज कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप इंस्टॉल कर लेना अपने पैकेजेस. जो कमांड मैं यहाँ पे लिखूंगी वही कमांड आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन के भी लिखनी है. ये जस्ट मैंने VS कोड IDE से डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट ही खोला हुआ है. मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी pip install PyTesseract. ओके, और एंटर प्रेस करके मैं इसे इंस्टॉल कर लूंगी. मेरी मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे ऐसा आउटपुट शो हो रहा है. अगर आपकी मशीन में ऑलरेडी नहीं हुआ तो ये पहले इंस्टॉल होगा और आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा इंस्टॉल होने के बाद. और इसी के साथ हम एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देते हैं, pip install pillow library. ये हम यूज करेंगे इमेज रीडिंग के लिए. ये भी मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. तो अब हमारे पास दोनों के दोनों पैकेजेस आ चुके हैं. तो अब हम फाइल के अंदर इसे इंपोर्ट करेंगे और इसे यूज करेंगे. मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी थी बट मुझे कमांड बतानी थी आपको इसलिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ. अब ये हमारे पास main.py फाइल है जो जिसके अंदर मैं कोड लिखने वाली हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इम्पोर्ट स्टेटमेंट. इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है, अदरवाइज आप पैकेजेस को यूज करोगे तो एरर आएगा. सबसे पहले आपको पैकेजेस को अपनी फाइल के अंदर इम्पोर्ट करना होता है, फिर ही आप उन्हें यूज कर सकते हो. मैं लिखूंगी इम्पोर्ट PyTesseract. ओके, साथ ही साथ फ्रॉम PIL. PIL stands for Python Imaging Library. As you can see, PIL is Python Imaging Library. और PIL के अंदर से मुझे import करवाना है image class को. Image class का use करने वाली हूँ मैं, तो सिर्फ इसे ही import करवाऊंगी. बाकी चीजें unnecessary हैं, उसे मैं import नहीं करूंगी. और मुझे अब क्या करना है, मुझे image file को read करना है अपने Python file के अंदर. ठीक है, तो मैं लिखूंगी value equals to image dot open. image class का नाम है और open method का नाम है. open के अंदर मुझे path provide करना होता है जो भी file को मुझे read करना है. मैं full path भी दे सकती हूँ but यहाँ पर मैंने अपने folder के अंदर, ये जो मेरा folder है जिसके अंदर से मैंने VS code खोला हुआ है या जहां से मैं प्रोग्राम रन कर रही हूँ, इस फोल्डर के अंदर ही मैंने कुछ इमेजेस डाल के रखी हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. आप फुल पाथ भी यूज कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे सपोज मैं लिखती हूँ logo.png. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेव करके
रखे हुए हैं इस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अगर आपने इस सेम फोल्डर के अंदर चीजें नहीं रखी हुई हैं या आप किसी और आईडी से कर रहे हो, तो इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप फुल पाथ दे दो कि कोई चांस ही ना रहे कोई भी एरर आने का। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लोगो डॉट पी एन जी और अब मैंने इमेज फाइल रीड कर दी है। अब काम आ जाता है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन के लिए मैं यूज करूंगी टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट इज इक्वल टू पाई टेसरैक्ट डॉट इमेज टू स्ट्रिंग। इमेज टू स्ट्रिंग मेरे पास मेथड है। इमेज टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर मुझे डालना है वैल्यू। ओके, जो मैंने इमेज फाइल रीड की है उसी का ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूं, एंड दैट्स इट। नाउ आई जस्ट नीड टू प्रिंट द आउटपुट। तो मैं यहां पर लिखूंगी एक्सट्रैक्टेड डेटा इज, और यहां पे मैं बैक स्लैश एन यूज कर लूंगी और यहां पे लिख दूंगी टेक्स्ट। ओके, तो ये मेरा काम हो गया है पूरा। एंड एज यू कैन सी इन जस्ट 5 लाइंस ऑफ कोड मैंने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। बट आप देखो, अगर मैं इसे अभी रन करूंगी तो एक पर्टिकुलर एरर आपको दिखने वाला है, जो डेफिनेटली आपको भी दिखेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो मुझे। तो ये एरर आपको आने वाला है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, नो मॉड्यूल नेम्ड पाई टेसरेक्ट। ओके, तो ये एरर आता ही आता है क्योंकि हमने एक चीज मिस की है। वो क्या, अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देखो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि आपको एक और चीज करनी होती है, पाई टेसरेक्ट कमांड जो है, पाई टेसरेक्ट कमांड हमें खुद से स्पेसिफाई करनी होती है। इसका एक और मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि टेसरेक्ट ओसीआर एक हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो हमें यूज करनी पड़ती है टेसरेक्ट मॉड्यूल को यूज करने के लिए। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यह लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो टेसरेक्ट OCR सेटअप को। ये जो अल्फा फाइल है इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप ये इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप टेसरैक्ट को नहीं यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन, अगर 64 बिट है तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, अगर 32 बिट है तो यहाँ क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये बहुत इजी सा इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट 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 करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप पाथ नहीं चेंज करेंगे तो सबका पाथ सेम ही होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अदरवाइज अगर आप अपने हिसाब से कोई पाथ डिफाइन करके इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो पाथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आपको ये पर्टिकुलर चीज जो यहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ, एज यू कैन सी, आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपको कहीं से भी रटने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। ये चीज जो है, ये फुल पाथ जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आपको फुल पाथ टू योर टेसरैक्ट एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल पाथ देना और बाकी चीज कॉपी करनी है। तो मैंने जहां पे अपने मशीन के अंदर जहां पे भी इसे इंस्टॉल किया है और टेसरैक्ट फाइल रखी हुई है उसका पाथ मैं दे रही हूँ। तो बिफोर यू यूज टेसरैक्ट पैकेज आपको पहले ये कमांड लिखनी होती है, पाई टेसरैक्ट डॉट पाई टेसरैक्ट डॉट टेसरैक्ट सी एम डी इज इक्वल टू। एज यू कैन सी मैंने क्या किया है, यहाँ पे अपना पाथ प्रोवाइड कर दिया है। ये पाथ जो है ये बाय डिफॉल्ट भी यही पाथ होता है। अदरवाइज अगर आप पाथ चेंज कर रहे हो, आप ढूंढ लीजिए कि कहाँ पे tesseract.exe फाइल है, ये वाली exe फाइल कहाँ पे आपने इंस्टॉल की है, और वो वाला पाथ आपको यहाँ पे देना है। अब ये एरर नहीं आएगा अगर आप इसे सेव करते हैं। अब आप इसे रन कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हम रीड कर रहे हैं लोगो डॉट पी एन जी और उसके अंदर से जो भी टेक्सचुअल डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द टर्मिनल सो दैट यू कैन सी द रिजल्ट ऑल्सो। नाउ लेट मी रन दिस। एज यू कैन सी इसने डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एमवीज कोड गाइड, अगर मैं आपको लोगो दिखाऊं तो लोगो डॉट पी एन जी कुछ इस तरीके का मेरा लोगो था, ये मेरा लोगो था, और इसके अंदर से एम सी जी और एमवीज कोड गाइड, ये पूरा का पूरा जो टेक्सचुअल डेटा है वो इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया है, एम सी जी और एमवीज कोड गाइड। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट। बट अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो मैंने बाकी की इमेजेस रखी हुई हैं इस फोल्डर के अंदर उसे भी रीड करके आपको दिखा देती हूँ कि ये वो भी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। तो एक और इमेज है मेरे पास लोगो वन डॉट पी एन जी और मैं उसे दिखा देती हूँ आपको लोगो वन कैसा है। लोगो वन ऐसा है और इसे भी मैं रन करवा के यहाँ पे
इसे भी मैं इस प्रोग्राम को रन करके ये भी रीड करवा लेती हूँ। तो ये आ गया एमवीज कोड गाइड, कुछ इस तरीके से इसे रीड कर रहा है। तो ये भी सक्सेसफुली रीड कर पाया है लोगो 1.png को। अब मेरे पास एक और फाइल है codes.jpg। एज यू कैन सी दिस इज द फाइल codes.jpg। अब मैं इसे रन करवाऊंगी, इसे रीड करवाऊंगी और इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ codes.jpg एंड लेट मी सेव दिस। Now, if I run this, it will extract the data from the image and the result will be this. Believing in yourself is the first secret to success. Now, this project is working fine and it is successfully extracting the data, the textual data from the images. Believing in yourself is the first secret to success. As you can see, this is the quote. And you can try with many of the images. I hope it will work for you as well. So this is the end of today's video. If you're having fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. Please keep learning and keep supporting. Thank you.